शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर जिला प्रशासन ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और शहीद की शहादत को याद किया। शहीदी दिवस के अवसर पर शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा के पिता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेके शर्मा, भाई मुकुल शर्मा के अलावा डीसी हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा, एडीसी अनूप ठाकुर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आपको बता दें कि शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पहली जनवरी 2004 में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कश्मीर में शहादत का जाम पिया था। शहादत के बाद सेना ने मृदुल शर्मा को गैलेट्री अवार्ड से सम्मानित किया था और प्रदेश सरकार ने भी कई घोषणाएं की थी, जिसमें शहीद के नाम पर भव्य स्मारक के अलावा सुजानपुर चौक पर स्मारक बनाया गया था। हर साल के पहले दिन शहीद मृदुल शर्मा की शहादत को याद करके परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। शहीद के भाई मुकुल शर्मा ने बताया कि आज शहीद कैप्टन मृदुल की शहादत को 15 साल पूरे हो गए हैं और आज के दिन ही शहीद हुए थे। उन्होंने बताया कि परिवार को नववर्ष के अवसर पर शहीद होने की सूचना मिली थी और पूरा परिवार गमगीन हो गया था। उन्होंने बताया कि रात के 11 बजे आतंकवादियों की गोलियां लगी थी, लेकिन 9 किलोमीटर तक का सफर तय किया था और रात करीब 1 बजे अपने फौजी साथियों को अपना साहस दिखाते हुए रुकने के लिए कहा और प्राण त्याग दिए थे। आप जानते ही हैं, आज पहली जनवरी 2019 को कैप्टन मृदुल शर्मा को वीरगति प्राप्त हुए 15 साल हो गए और आज के दिन जो प्रशासन के द्वारा उनका पार्क बनाया गया है, जहां पे उनकी मूर्ति स्थापित हुई है, ये 27 सितंबर 2009 को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के द्वारा इसका अनावरण हुआ था और यहाँ कोर्ट के पास उनका नाम पे चौक भी स्थापित हुआ है जहाँ उनकी फ़ोटो लगी हुई है। तो आज के दिन 31 दिसंबर 2003 रात को जैसे ही इनको सूचना मिली कुछ 22 उग्रवादियों की हाइडआउट्स की, कैप्टन मृदुल शर्मा ने 31 दिसंबर रात को जब इन्होंने 3 उग्रवादियों को ढेर भी किया, उसमें इनके आगे जो बड़ी चला हुआ था, तो जैसे ही फायर खुला उग्रवादियों की तरफ से, तो उसको बचाते हुए उसको इन्होंने धक्का दिया ताकि वो बच जाए, लेकिन इस हाफादाफी में उनको यहाँ बुलेट प्रूफ पहना हुआ था लेकिन साइड से उनको 4 गोलियाँ लग गईं, जिससे एक ने लीवर तक पंक्चर कर दिया और 11:30 उनको गोलियाँ लगी। उसके बाद भी 9 किलोमीटर के दूर इनका MI रूम था, वहाँ तक फौजी अपने कंधों पे इनको लेके आए हैं, तो MI रूम तक पहुँचते लगभग इनको 1 घंटा लग गया था। तो 1:15 कैप्टन मृदुल शर्मा को खुद लगा कि शायद मैं बच नहीं पाऊँगा, तो उन्होंने खुद ये कहा कि मुझे नीचे उतार दो, मुझे लग रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊँगा, क्योंकि इतना अदम्य साहस था कि इतनी ठंड और बारिश में ठीक जाने के बावजूद 4 गोलियां लगी हैं, तब भी उन्होंने 2 घंटे अपनी इस साहस का पराक्रम दिखाया, लेकिन उनको खुद लगा कि मेरा अंतिम समय निकट है। तो आखिर बार अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने सुबह 1:30 बजे अपनी अंतिम सांस ली। शहीद के भाई मुकुल ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि शहीद स्मारक के साथ लगते नाले का चैनलाइजेशन किया जाए और पार्क की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए काम किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी भी शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा की शहादत को याद रख सके। प्रशासन की से मेरा एक ही निवेदन है, बार बार, जो मैं बार बार प्रस्तुति दे चुका हूँ, कि पार्क के साथ जो पार्क की ही जमीन है, जिस नाले को चैनलाइजेशन करके अगर उसको सौंदर्यकरण करके उसका शहीदी स्मारक के रूप में वहाँ पे हर शहीद, जिले के जो हर शहीद हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका नाम, उनके परिवार वालों का नाम, उनका नाम पता, कहाँ से वो संबंध रखते हैं, तो हर एक व्यक्ति को जिनके परिवार में शहीद हैं, उनको ये अपना प्रेम उजागर हो जाएगा कि वो इस पार्क में खुद जाने को तत्पर रहेंगे कि हमारे बच्चे का नाम वहाँ पर है, मेरे पिता का नाम है, मेरे भाई का नाम है, और ये एक अपने आप में हमीरपुर में एक शहीदी स्मारक के रूप में बहुत अच्छा उभर कर आएगा। गौरतलब है कि सेना मेडल वीरता सम्मान भी भारत सरकार ने मरणोपरांत दिया था और उस दिन से लेकर आज दिन तक हर साल शहीदी दिवस के आसपास 51 रेजिमेंट के जवान घर पर आकर हालचाल पूछते हैं, जिससे शहीद की शहादत के प्रति सेना की गंभीरता को देखा जा सकता है और इस तरह सेना के द्वारा हर साल हालचाल पूछे जाने पर
परिवारजनों में भी अपने बेटे की शहादत को लेकर गर्व महसूस होता है।